जनतंत्र का जन्म इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ। इनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता रवि सिंह थे। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से हुई है। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किए हैं। वे एचई स्कूल बड़बीघा में प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्री ऑफ सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर में विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर रहे हैं। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थक गद्यकार भी थे। उनकी प्रमुख कृतियां है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, नीलकुसुम, उवरसी, परम पुरुष की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। इनकी जो है आदि काव्य कृतियां एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के चार अध्याय, काव्य की भूमिका, वट कपिल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृत इनकी प्रसिद्ध है। दिनकर जी को संस्कृत के चार अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं ओवरसी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि भी हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने के शुरुआत उन्हें 30 में दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक में प्रमुख कवि के रूप में सामने आए। कवि इस कविता में कहते हैं कि सदियों की ठंड और बुझी हुई राख में सुगबुहाट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी उभर कर उठ रही है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। यह छोरो समय साक्षी है। जनता के रथ के पहिया की घरड़ आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन पर खाली कर जनता आ रही है। कभी ये भी कहते हैं इस पंक्ति में कि जनता सचमुच मिट्टी के अबोध कमरते हैं। वह बड़े जारे की रात में जारा पाला के कसक रुक रुक कर होने वाली पीड़ा हमेशा सहती रहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती है। ठंड से शरीर ऐसा कपकपाता है कि लगता है कि हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद भी वह अपनी दुख किसी से नहीं कहते हैं। दिनकर जी ये भी कहते हैं कि जनता सचमुच में अहवास वेदना को सह कर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती है। कभी शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत पीड़ा सहती है। कभी कहता है कि
जनता की सही सही अर्थ क्या है? कवि इस प्रश्न को उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। दिनकर जी जनतंत्र की जन्म से बात कहते हैं कि फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कभी कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो तब सजाओ सजाओ और जब मन करे उसे तोड़ दो। कोई दूध मुही बच्चा नहीं है कि इसे दो चार खिलौने देखकर बहला दो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन होता भिड़ोल बनवार होते हैं। जनता तब कोपाकुल की भुटकिया चटाती है। कभी ये भी कहते हैं कि जनता जब हुकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ जाता है। जनता के हुकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है। जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता है। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो, सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांस के बल से ताज हवा में उड़ जाती है। जनता की रोक राह समय में तनाव कहाँ है, जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। कभी कहते हैं कि पंक्तियों दिनकर के वर्षों सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों अंधकारमय समय बीतते गया। जनता के स्वप्न जो अंधकार की चिंगारित हुए धारा पर उतर रहे हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि 30 आसन तैयार करो। अभी अभिषेक आज राजा की नहीं प्रजा की है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। दिनकर ये भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है, यहाँ लोकतंत्र के स्थान हो रही है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा ही नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का सुबह दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ दिन है। आरती लिए तुम किसे ढूंढते हो? मूर्ख मंदिरों राज प्रसाद में तहखानों में देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेत में खलिहाल में। कभी कहते हैं कि हम फावरे हल राजतंत्र बनाने की घुस्तरता सोने सिंगार सजाते हैं। राह और समय घंघोर नादी सुने खलिहाल खाली करो, इतना आते हैं। ये सब हम देखते हैं, ये सारे जो है किसान के ही हाथों में होते हैं। कभी ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजतंत्र कोई राजपत्र कोई हथियार या कोई औजार नहीं होता है। लोकतंत्र का मूल राजतंत्र जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है, धरती की धूस करता है। सिंहासन आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ग है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो। देखो, जनता स्वयं आ रही है।